CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है ये श्रृंखला बंजारन, प्रस्तुत है कक्षा एक के छात्रों के लिए कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में बंजारन ने बढ़ई और लोहार के बारे में जानकारी दी है। आलेख विभा देव सरे का है, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं अजीत गुप्ता। दोस्तों जय हिंद। तो भाई आज तुम सब मिलने जा रहे हो बंजारन से, तो लो दोस्तों बात करो बंजारन से। दोस्तों और जोर से ताली बजाओ। और जोर से। बस बस बस, ये बात हुई। दोस्तों आज बहुत दिनों के बाद बंजारन आई है, लेकिन बंजारन आज तुम्हारी ये पोटली इतनी खाली क्यों है? भैया पोपट लाल, मेरी ये पोटली कभी खाली नहीं होती। इस बार तो मैं बहुत मजेदार कहानियां सुनाऊंगी। अच्छा? हां, मैं गांव-गांव घूमकर आ रही हूं ना, वहां मुझे कल्लू बढ़ई और चंदू लोहार मिले। उन्होंने मुझे एक जालाक चिड़िया की कहानी सुनाई, सो इन बच्चों को वही सुनाऊंगी। लोहार और बढ़ई। अरे बढ़ई वही ना जो लकड़ी की चीजें बनाता है, और लोहार वो जो लोहे की चीजें बनाता है। क्यों बंजारन, मैंने ठीक बताया ना? अरे पोपट लाल, ठीक बता दिया तो कौन सा कमाल कर दिया। अरे ये बात तो हमारे ये दोस्त भी जानते हैं कि बढ़ई लकड़ी की चीजें बनाता है और लोहार लोहे की चीजें बनाता है। हां तो दोस्तों अपने हाथ ऊपर उठाकर यह बताओ कि तुम में से कौन-कौन कहानी सुनेगा। कौन-कौन कहानी सुनेगा? अरे वाह, देख रही हो बंजारन, दोस्तों ने हाथ ऊपर उठा लिए हैं। भाई अब तो तुम्हें कहानी शुरू कर देनी चाहिए। हां तो बच्चों ध्यान से सुनो कहानी। कल्लू बढ़ई है ना, वो बहुत सीधा आदमी है, बड़ी मेहनत करता है, जंगल से लकड़ी काट कर लाता है, फिर उससे कुर्सी, मेज, किवाड़, बैलगाड़ी, खाट, हल बनाता है। और तो और, तुम जिस तख्ती पर लिखते हो ना, उसे भी कल्लू बढ़ई बनाता है। उसके पास कई तरह के लोहे के औजार रहते हैं, इनसे वो लकड़ी को चीरता है और छीलता है, फिर ढेर सारी चीजें बनाता है। गांव में उसकी सबसे दोस्ती थी बस, उसको चिड़िया नहीं अच्छी लगती थी।
दाना पाया। चिड़िया ने एक दाना पाया, दाना ले बैठी खूंटे पर। खूंटे में जा अटका दाना, चोंच मारती चिड़िया रानी, चोंच मारती चिड़िया रानी, कैसे खाऊं अब दाना मैं, कैसे खाऊं अब दाना मैं, दाना अटक गया खूंटे में। चिड़िया कल्लू बढ़ई से बोली, कल्लू बढ़ई भाई कल्लू बढ़ई, कल्लू बढ़ई भाई कल्लू बढ़ई, मैं क्या खाऊं मैं क्या खाऊं, मैं क्या खाऊं मैं क्या खाऊं, खूटा चीरो तो दाना पाऊं, चीरो तो दाना पाऊं, दाना खाकर भूख मिटाऊं, दाना खाकर भूख मिटाऊं, आसमान में फर उड़ जाऊं। तो बच्चों बढ़ई बोला, अरे बावली चिड़िया हट जा, अरे बावली चिड़िया हट जा, काम बहुत है मेरे पास, काम बहुत है मेरे पास, राजा के घर जाना मुझको, राजा के घर जाना मुझको, उड़ जा तूला दाना और, अरे उड़ जा तूला दाना और। लेकिन बच्चों जब कल्लू बढ़ई ने खूंटा चीरने से मना कर दिया तो चिड़िया को बहुत गुस्सा आया, वो कल्लू बढ़ई से नाराज हो गई और बोली, और न दाना लाऊं दाना लाऊंगी मैं, राजा से जा कह दूंगी मैं, राजा से जा कह दूंगी मैं, अगर न चीरोगे तुम खूंटा, अगर न चीरोगे तुम खूंटा, तुम्हें सजा दिलवाऊंगी मैं, तुम्हें सजा दिलवाऊंगी मैं। कल्लू ने सोचा कि ये चिड़िया तो बहुत चालाक है, अगर इसने सचमुच राजा से कह दिया तो मुसीबत हो जाएगी, फिर इसका छोटा सा तो काम है खूंटा चीर कर बस दाना ही तो निकालना है। बस कल्लू बढ़ई ने आरी से खूंटा चीर दिया और चिड़िया का दाना निकाल कर दे दिया। चिड़िया दाना लेकर फुर्र से उड़ गई और पेड़ पर जा बैठी। वहीं से वो कल्लू बढ़ई को चिढ़ाकर कहने लगी, कल्लू बढ़ई डरपोक है, कल्लू बढ़ई डरपोक है। वाह, चिड़िया तो बहुत चालाक निकली, अपना काम भी करा लिया और बढ़ई को डरपोक कहने लगी। पर बंजारन फिर क्या हुआ? हाँ तो बच्चों, वही चिड़िया दाना खा कर पानी पीने के लिए एक तालाब के किनारे गई। जब वो पानी पी रही थी तो उसके पैर में एक छल्ला अटक गया। भाई वो लोहे का छल्ला वहीं पड़ा था ना,
अब वो चिड़िया बड़ी परेशान कि छलना कैसे निकले। इसीलिए वो उड़ती उड़ती चंदू लोहार के पास पहुंची। वही चंदू लोहार जो लोहे का सामान बनाता है। लोहार से जाकर चिड़िया बोली, पैरों में पैरों में। पैरों में छल्ला है अटका, पैरों में छल्ला है अटका, पैरों को पटका और झटका, पैरों को पटका और झटका, पर छल्ला है जरा ना सटका, पर छल्ला है जरा ना सटका, काटो छल्ला फिर उड़ जाओ, काटो छल्ला फिर उड़ जाओ, किसी पेड़ पर जा इतराओ, किसी पेड़ पर जा इतराओ। तो बच्चों, चंदू लोहार बोला, अरे बावली मूरख चिड़िया, अरे बावली मूरख चिड़िया, मेरे पास बहुत है काम, मेरे पास बहुत है काम, राजा के घर जाना मुझको, राजा के घर जाना मुझको, कर न सकूंगा तेरा काम, कर न सकूंगा तेरा काम। फिर बच्चों, लुहार की बात सुनकर चिड़िया को बहुत गुस्सा आया और वो गुस्से में बोली, अटका छल्ला काटो पहले, फिर करना तुम अपना काम, अगर नहीं काटोगे छल्ला खूब मचाऊंगी मैं हल्ला, राजा से जा कह दूंगी मैं, सजा दिलवाऊंगी मैं। चंदू लोहार ने सोचा कि ये चिड़िया तो बहुत चालाक है, अगर ये राजा से सचमुच मेरी शिकायत कर देगी तो मेरी मुसीबत हो जाएगी, और फिर छोटा सा ही तो काम है इसका, पैरों में छल्ला फंस जाने से बेचारी परेशान भी है। चंदू लोहार ने चिड़िया के पैरों में अटका हुआ छल्ला काट दिया। पैरों में फंसा छल्ला कटते ही चिड़िया फुर्र से उड़ गई और पेड़ पर जा बैठी। चंदू लोहार को चिढ़ाते हुए कहने लगी, चंदू लोहार डरपोक है, चंदू लोहार डरपोक है। भाई वाह बंजारे, तुमने तो चिड़िया की बहुत अच्छी कहानी सुनाई। चिड़िया ने तो बेचारे चंदू लोहार को भी बुद्धू बना दिया। हाँ तो बच्चों, अच्छा तो अब चलते चलते हो जाए। क्या हो जाए? अरे भाई वही अपना गाना, एक दो तीन। दोस्तों कहो जय हिंद। प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।